स्टूडेंट्स, आज की वीडियो काफी ज्यादा खास और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक जो है कि हम अपने इंग्लिश क्वेश्चन पेपर की स्टार्टिंग कौन से सेक्शन से करें। क्योंकि जब आप पेपर देने जाएंगे और आपके सामने जो इंग्लिश का पेपर आएगा वो फोर सेक्शंस में डिवाइड होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम किस सेक्शन से अपने पेपर की स्टार्टिंग करें। यही सेम क्वेश्चन YouTube पर भी मेरे एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, तो मुझे लगा क्यों ना इस टॉपिक के ऊपर ही एक वीडियो बना दी जाए और आप सभी को बता दिया जाए कि हम अपने इंग्लिश पेपर की स्टार्टिंग सबसे पहले कौन से सेक्शन से करें। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आज की वीडियो रियली आपके लिए काफी ज्यादा स्पेशल है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारा जो पेपर आएगा सेक्शन ए, बी, सी, डी में रहेगा, तो उनमें से कौन से सेक्शन में कितने मार्क्स मिलेंगे। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि सबका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, सब अलग अलग तरीके से बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सेक्शन ए से ही स्टार्टिंग कर देना चाहिए, कुछ का मानना है कि सेक्शन सी को पहले करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं कि सेक्शन डी करें, कुछ बोलते हैं सेक्शन बी करें। सब अलग अलग तरीके से आपको बताते हैं और आपको कंफ्यूज करते हैं। लेकिन अगर आप हमारी बात मानते आ रहे हैं, अब तक आप हमारी बात मानते आ रहे हैं, तो इस बात को भी जरूर मानिएगा, क्योंकि हम आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताएंगे कि कौन से सेक्शन को सबसे पहले करने से ज्यादा फायदा मिलेगा। देखो, हम बात कर रहे थे कि सेक्शन ए कितने नंबर का आता है। सेक्शन ए हमारी 12th इंग्लिश का जो आता है वो 14 मार्क्स का आता है। 10 मार्क्स का हमारा एक पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज 10 मार्क्स का आएगा, सब एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स के नोट्स मेकिंग और टाइटल आपसे बनवाया जाएगा। सेक्शन बी जो आएगा ये हमारा 12 नंबर का आएगा, इसमें क्या क्या आता है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। सेक्शन बी जो रहेगा ये 12 नंबर का रहेगा। सेक्शन सी जो कि हमारा 10 मार्क्स का रहेगा, ग्रामर का पोर्शन होता है, 10 मार्क्स के हमारे ग्रामर आएंगे। और सेक्शन डी ये 44 मार्क्स का आएगा, 44 नंबर का हमारा सेक्शन डी आएगा, 44 मार्क्स का सेक्शन डी आएगा। ठीक है, अब सबसे पहले कौन से सेक्शन को करें। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप सेक्शन बी को करें। स्टूडेंट, सेक्शन बी से आप स्टार्टिंग करें। सेक्शन बी से इसलिए क्योंकि देखो, इसमें एक माइंड सेट होता है ऑलरेडी कि आपका जैसे कि लेटर वाला पोर्शन है, फॉर्मल के और में इनफॉर्मल लेटर तो आना ही आना है। अब टॉपिक आपको भले ही नहीं पता कि कौन सा आ जाए, लेकिन इतना तो पता है कि लेटर तो आएगा, और जब लेटर आएगा तो पर्टिकुलर उसका एक फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आप उसको बनाएंगे। और फॉर्मेट बनाना मैंने आपको सिखा दिया है ना, फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया है कि फॉर्मल का क्या फॉर्मेट होता है, इनफॉर्मल लेटर का फॉर्मेट क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। तो कोई सा भी लेटर आपको लर्न नहीं भी है तो भी 2 नंबर तो फॉर्मेट के आपको मिल ही रहे हैं। उसके बाद जो लर्न है वो एग्जाम में तो आने के चांसेस ज्यादा है ही, तो आप वो कर देंगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ऐसे आपका पोस्टर है, एडवर्टाइजमेंट का फॉर्मेट है, नोटिस का भी फॉर्मेट मैंने बताया है, तो नोटिस किस तरीके से बनाया जाता है वो फॉर्मेट है। तो इनमें अगर आपको टॉपिक लर्न नहीं भी है तो भी आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको सेट करते हैं, लिखते हैं, तो भी नंबर तो आपको मिलने वाले हैं इनमें। पूरे नहीं तो 4 में से 3 या 2 नंबर तो आपको मिलने वाले हैं। मैं आशा करता हूं कि आपके वही क्वेश्चंस आए जो आपने ऑलरेडी लर्न कर रखे हैं और आएंगे भी, तो वो आप सबसे बन जाएंगे। तो सेक्शन बी की तरफ आप सबसे पहले जाइएगा, इसके बाद आपको जाना है सेक्शन डी पे। देखो, सेक्शन डी ऑलरेडी आपने पढ़ रखा है, इतना तो पता है कि बुक से क्वेश्चन आएंगे, आपकी जो बुक्स है उनसे क्वेश्चन आएंगे। तो सेक्शन डी की तरफ आप चले जाए। सेक्शन डी में सबसे पहले उन क्वेश्चंस को कर ले जो आपको लर्न है। पोम के आंसर आपसे बन जाएंगे तो पोम को लर्न कर लीजिए, बाकी भी आपने लर्न करके उसमें सबसे पहले सेक्शन डी में आप एक्सट्रेक्ट को कर लें। एक्सट्रेक्ट इजीली बन जाएगा, चैप्टर की अगर आपने रीडिंग कर रखी है तो वो आपसे बन जाएंगे, इजीली बन जाएंगे। तो सेक्शन डी की तरफ जाकर आप जो क्वेश्चंस आपसे पहले बन रहे हैं उनको आप कर लीजिए, यानी कि आपसे एक्सट्रेक्ट बन रहे होंगे, इजी वाले जो क्वेश्चन है उनको कर लीजिए। सेक्शन डी में ज्यादातर क्वेश्चन को आप कर लीजिए, सेक्शन बी और सेक्शन डी। ये स्कोरिंग सेक्शन है, ये स्कोरिंग सेक्शन है, इनमें से तो आप पास ही हो जाएंगे। मतलब के सेक्शन बी अच्छा खासा आपने कर लिया, सेक्शन डी में आपने क्वेश्चन कर लिए, 44 नंबर का है तो 44 में आपने 30-35 का आपने पहले कर लिए तो उसमें पास ही हो गए। अब इसके बाद सेक्शन सी की तरफ चले जाएं। बच्चों, सेक्शन सी ग्रामर को आप 3rd नंबर पे रखें। सेक्शन सी को आराम से रिलैक्स होकर क्वेश्चन को 2 times रीड करें, 2 बार आप पढ़ें, उसके बाद आप करें। बहुत अच्छे तरीके से आप क्वेश्चन को पढ़ लें, उसके बाद आप करें सेक्शन सी, फिर आप सेक्शन ए करें। क्यों? क्योंकि सेक्शन ए बिल्कुल नया पैसेज आपके सामने आएगा, कोई सा भी पैसेज आपके सामने आ सकता है, तो उसमें से 5-6 नंबर के क्वेश्चन तो इजीली आपको मिल जाएंगे, फाइंड करेंगे इजीली मिल जाएंगे आपको।
प्रॉब्लम जाएगी आपको 3-4 नंबर के लिए। तो वो 3-4 नंबर के जो क्वेश्चन है वो आपका टाइम बहुत ज्यादा खा जाते हैं, इसलिए बच्चे उलझ जाते हैं और सोचते हैं कि सबसे पहले पैसेज के पूरे आंसर को फाइंड कर लें और उसमें टाइम ज्यादा लग जाता है। इसलिए सेक्शन ए को आप लास्ट में करें, उसके लिए टाइम आप बचा के चलें। तो सेक्शन ए में देखो, नोट्स को तो आप पहले बना सकते हैं, नोट्स मेकिंग तो आपको पता है कैसे बनाई जाती है, वो बना लेंगे। लेकिन जो पैसेज है ना, पैसेज तो पैसेज में 5-6 नंबर तो आपके कहीं ना कहीं नहीं गए, वो तो बन ही जाएंगे। लेकिन 3-4 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जिनके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, टाइम लग जाता है। तो बस उसकी अगर आपने प्रैक्टिस ज्यादा कर रखी है तो वो भी आपसे बन जाएंगे। प्रैक्टिस अगर आपने अच्छी कर रखी है पैसेज की, तो वो भी मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड कर रखी है किस तरीके से पैसेज का आंसर को फाइंड करना है, तो वो भी आपसे बन जाएंगे। लेकिन एकदम से पैसेज में मत उलझना। कई बच्चे करते क्या, सेक्शन ए के पीछे पड़ जाते हैं और पैसेज में उलझ जाते हैं और आधा घंटे से ज्यादा वो पैसेज में खा जाते हैं। स्टार्टिंग होती है, नया पैसेज होता है, नए क्वेश्चन होते हैं, आपको टाइम लग जाता है। इसलिए देखो, सेक्शन बी की तरफ जाओ, सेक्शन बी के क्वेश्चन को कर लो पहले, एडवर्टाइजमेंट बना लो, पोस्टर बना लो, जो भी आपसे बनना है, लेटर लिख लो, लॉन्ग रिपोर्ट या पैराग्राफ आर्टिकल उसको कर लो। सेक्शन डी की तरफ चले जाओ, उसके एक्सट्रेक्ट कर लो, उसके क्वेश्चन आंसर कर लो, ठीक है। सेक्शन सी कर लो, ग्रामर के फिलिंग द ब्लैंक्स कर लो, डू इज डाइटिक कर लो, उसके बाद सेक्शन ए को आराम से करते रहो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अगर पेपर को सोल्व करेंगे तो आपके सारे ही पोर्शंस कंप्लीट हो जाएंगे, चारों सेक्शंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे। अगर आपने स्टडी अच्छी कर रखी है, अच्छा पढ़ रखा है, तो आपके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आएंगे, इस बात की गारंटी मैं आपको देता हूं। क्योंकि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग, सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपने स्टडी कर रखी है, बस टाइम मैनेजमेंट आप अच्छे से तरीके से करना, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करना, किसी की बातों में मत आना, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अब अपनी स्टडी पे फोकस करना और आप अपने एग्जाम में अपने पेपर पे फोकस करना। तो आप टाइम से, बिफोर टाइम से 5 या 10 मिनट पहले, 10 मिनट 15 मिनट को पहले लेके चलिए, 15 मिनट पहले पहले अपने पेपर को निपटाने की कोशिश करिए। कि 3 घंटे अगर आपको दिए जाएंगे तो आप 2 घंटे 45 मिनट में अपना पेपर करके बैठ जाए, उसके बाद उसको रीचेक कर ले, देख ले आपने सीरियल नंबर, क्वेश्चन नंबर सब सही डाला है कि नहीं डाला है। 15 मिनट पहले पेपर को निपटाने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो कौन सा सेक्शन पहले करना है, सेक्शन बी को पहले करना है, सेक्शन डी को उसके बाद करना है, सेक्शन सी को इसके बाद करना है 3rd नंबर पे, इसके बाद 4th नंबर पे सेक्शन ए को आपको करना है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।